नागपुर शहर के प्रत्येक विकलांग व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने के लिए विविध उपक्रम नितिन गडकरी द्वारा चलाए जाते हैं। उसी श्रृंखला में आज सांसद निधि से 35 दिव्यांग को सौर चलित मोटरसाइकिल ट्राई साइकिल्स वितरित की गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा परिकल्पित यह कार्यक्रम एकीकृत क्षेत्रीय कौशल्य विकास पुनर्वास और अधिकारिता केंद्र द्वारा आंध्र प्रदेश मेड टेक जोन विशाखापट्टनम के विशेष सहयोग से आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के दौरान विधायक मोहन मते, पूर्व विधायक डॉक्टर मिलिंद माने, कलेक्टर डॉक्टर विपिन इटनकर, जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौम्या शर्मा की प्रमुख उपस्थिति रही। हम आने वाले समय में इन ट्राईसाइकिलों को बड़ी मात्रा में वितरित करने का भी प्रयास कर रहे हैं, ऐसा इस दौरान गडकरी ने कहा कि हमारे जो दिव्यांग है उनको हमने कुछ दिन पहले 40 करोड़ का साहित्य दिया था, उसमें साइकिल भी दी थी। पर हमारे जो शर्मा जी है जिन्होंने MSME का मेडिकल डिवाइस पार्क विशाखापट्टनम में खोला है, उन्होंने ये सोलर पर चलने वाली साइकिल तैयार की है इलेक्ट्रिक। अब वो साइकिल आज 35 लोगों को दी है और रात को घर में चार्ज भी हो सकती है, यानी उनका इन सब लोगों का जीवन इससे बदल जाएगा। मैंने अपने MP फंड से ये 35 सोलर बेस्ड बाइसिकल, उसको इलेक्ट्रिक स्कूटर ही बोले इसको, ट्राइसिकल, इसको स्पॉन्सर किया है। और भी इसी प्रकार से हमारे क्षेत्र में जो जो लोग होंगे उनको देने का हमारा प्रयास है। हमारे जिलाधिकारी, उनका मैं धन्यवाद दूंगा, शर्मा जी का धन्यवाद दूंगा, और LM का, इसका जो हमारा डिपार्टमेंट CRC, वो भी इसमें अच्छा काम कर रहे हैं, उनका भी धन्यवाद दूंगा। इस प्रकार के जो अनाथ है, असहाय है, दिव्यांग है, उनकी सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है और उनका आशीर्वाद यही हमारी पूंजी है। मैं इनके सबके जीवन की शुभकामनाएं उनको देता हूं और शुभेच्छाएं देता हूं। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।